कृषि के क्षेत्र में लाए गए कानूनों के विरोध में करनाल के कमेटी चौक पर एक दिन का उपवास रखा गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक जिले में एक दिन का उपवास रखने का निर्णय लिया गया था। इसी कड़ी में आज करनाल के कमेटी चौक पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उपवास रखा गया एवं सरकार के खिलाफ व कृषि के क्षेत्र में लाए गए तीन काले कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संदीप मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में पूरी तरह सहयोग कर रही है, जिसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी किसान आंदोलन में पहुंचकर किसानों की सहायता के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लेने पहुंचे थे और उन्हीं के दिशा निर्देश पर आज प्रत्येक जिले में उपवास रखकर विरोध दर्ज करवाने का कार्य किया गया है। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। गौरतलब है कि पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में लाए गए कानूनों के विरोध में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार से इन कानूनों को वापस लेने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी करनाल किसानों के समर्थन में धरने पर बैठी है। अरविंद जी के आह्वान पर, शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आम आदमी पार्टी करनाल एक दिन के उपवास पे बैठी है और मोदी जी से अपील करती है कि अडानी अंबानी के पिछु लघु न बनकर देश के किसानों के बारे में सोचिए, देश के आम नागरिकों के बारे में सोचिए। ये जो कानून आपने अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए बनाए हैं, इन्हें तुरंत प्रभाव से खत्म कीजिए। और किसान ज्यादा कानून चाहते हैं, जो MRP चाहते हैं, जो MRP की गारंटी वो चाहते हैं, वो उन्हें दीजिए, ताकि हमारे किसान भाई जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं वो आराम से अपने घर जा सकें, अपने बीवी बच्चों के पास जा सकें। और जो कोरोना का एक बड़ा संकट उनके ऊपर मंडरा रहा है, वो संकट खत्म हो सके और देश दोबारा से तरक्की कर सके। मोदी जी, अगर किसानों ने खेती करना बंद कर दिया तो आप 135 करोड़ लोगों का पेट कैसे भरेंगे? आप देश के मुखिया हैं, आपको इन पूंजीपतियों के बारे में ना सोचकर आम लोग, आम जनता, किसान मजदूर के बारे में सोचना होगा। आपने कहा कि इन कानूनों से किसानों को पूरे देश में व्यापार करने का, अपनी फसल बेचने का मौका मिलेगा। हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ये कानून जो 2006 से बिहार में लागू है, उनके किसानों की आप हालात देखिए। बिहार में तो आप ही लोगों की सरकार है, लेकिन वहाँ पे किसानियत कितनी बुरी क्यों है? सिर्फ एक हरियाणा, पंजाब, कुछ हिस्सा राजस्थान का, कुछ हिस्सा यूपी का, यहीं पे मंडी व्यवस्था है। यहाँ के किसान संपन्न है, इसलिए यहाँ के किसान जागरूक होकर इकट्ठे होके आए हैं, बाकी देशों के किसानों को अपील कर रहे हैं। पीछे जब महाराष्ट्र के किसानों ने आंदोलन की अपील लिखी, आपके कानों पे जू तक नहीं रही। मोदी जी, आपका जो घमंड है, उस रावण के घमंड से भी बढ़ गया है। उस रावण का तो हम दहन हर साल करते हैं, आपका क्या होगा ये किसान भाई अच्छी तरह जानते हैं, देश की जनता अच्छी तरह जानती है। तो आम आदमी पार्टी आपसे अपील करती है कि मोदी जी, इन पूंजीपतियों का पिछू लघु ना बनकर आप आम जनता, आम देश के नागरिक और किसान भाइयों के बारे में सोचिए और इन कानूनों को तुरंत प्रभाव से खत्म करें। आज के बाद आपकी आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश करेगा, उस हिसाब से रणनीति रहेगी। जैसे हम प्लानिंग चल रही है, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत चल रही है कि इस धरने को आगे कंटिन्यू किया जाए और लगातार जब तक ये मांग पूरी ना हो जाए तब तक करनाल जिले के लोग और हरियाणा के जिले के जो भी पदाधिकारी हैं वो इस धरने को कंटिन्यू रखें, ऐसी हमारी शीर्ष नेतृत्व से बातचीत चल रही है। बाकी जैसा आदेश होगा वैसे रणनीति बनाई जाएगी। क्या नाम है सर आपका? संजीव मेहता, ज्वाइंट सचिव उत्तरी जोन हरियाणा। धन्यवाद। हमारा जो लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ, आप लोगों का हमारे धरने में पहुंचने पर हमारी तरफ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्वागत। मैं मास्टर राकेश जैन, आम आदमी पार्टी अनुसूचित मोर्चा का मैं जिला अध्यक्ष। हम क्यों इसमें आए हैं सपा सदस्य?
ये जो आंदोलन है किसान आंदोलन ही आज ये जन आंदोलन बन चुका है। जैसा जो अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए जो स्पेशल भंडारण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, क्योंकि तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो रीज़न है, क्योंकि पिछले इलेक्शंस में जैसे एमपी में जैसे बीजेपी ने सरकार तोड़ी, वहाँ एमएलए को बड़ी भारी नोट दे के उनको खरीद दिया, ये सारा का सारा पैसा कहाँ से आया? अंबानी अडानी से आया। उन्हीं लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए, ताकि वो बड़े लोग भंडारण कर सकें। यदि वो बड़े लोग भंडारण करेंगे तो आज आप देखते हैं, हर आदमी को इस बात का पता है, एक प्याज जब खेत से उठता है तब वो 4 रुपये किलो होता है, लेकिन जब वो भंडारण में चला जाता है तो उसका स्टॉक हो जाता है, स्टॉक के बाद फिर वो दो महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद फिर वो 100 रुपये किलो हो जाता है। तो उसी प्रकार जो एक आम जो आदमी की जो ज़रूरत है, जैसे रोटी है, गेहूँ है, चावल है, एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, नॉन एग्रीकल्चर पर्सन को भी, वो यदि वो आटा भी उसको 100 रुपये किलो मिलेगा, 150 रुपये किलो मिलेगा, तो चावल 100 से 150 रुपये किलो मिलेगा, तो वो कहाँ से खाएगा बेचारा? वो मर जाएगा। पूरे देश में बेचने की, एक पूरे देश को भुखमरी के कगार पे लाने का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बीजेपी कुछ दूसरे लोगों के माध्यम से रच रही है, और दूसरी तरफ उन पर ब्लेम भी लगाती है, आंदोलनकारियों पे ब्लेम लगाती है, जो लोग इस देश को उन लोगों के पूंजीपति लोगों से बचाना चाहते हैं, जो इस देश को बिकने नहीं देना चाहते, जो इस देश को बचाना चाहते हैं, उनको ये भारतीय जनता पार्टी वाले डायरेक्ट बोलते हैं, वे तो खालिस्तानी है, ये तो ये आंदोलनकारी नहीं है, ये जो ये आंदोलन गलत लोगों के हाथों में चला गया है। आम आदमी पार्टी का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, एक तो देश की डेमोक्रेसी को बचाना, नंबर दो हर आदमी की ज़रूरत जहां से पूरी होती है वहां पे आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी, पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। दूसरा जो आम आदमी पार्टी का स्पेशल ये है, ये गांधीवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, यहाँ जो पदाधिकारी बैठे हैं, जिला सत्र के पदाधिकारी हैं, आज इन्होंने 10 बजे से 5 बजे तक सामूहिक अवकाश रखा है, पार्टी के जो लोग हैं वो आज सामूहिक अवकाश में उपवास में बैठे हैं। आगे यदि शीर्ष नेतृत्व ये कहेगा कि आप लगातार उसको कंटिन्यू कर दें, आमरण अनशन पर बैठ जाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो एक आंदोलन से निकली पार्टी है, आंदोलन करना हमारा काम है, आंदोलन किस पे करना? देश की जनता की भलाई के लिए, देश की जनता के कर्तव्यों के लिए, देश के की जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ना ही आम आदमी पार्टी की परिणाम है। आज पूरे देश में ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.